Student look now, question number 8. Find the values of y for which the distance between the point this and this P and Q is 10 unit. तो हमने यहाँ दो पॉइंट ले लिए P और Q. P का कोऑर्डिनेट 2, -3, Q का कोऑर्डिनेट 10, y. इसके बीच की डिस्टेंस क्या है 10, यानी ये PQ आपको दे रखी है 10. क्या दे रखी है? PQ is equals to 10 units. Okay student, and this is x1, y1, and this is x2, y2. So how will you find? You will write the formula PQ is equals to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, a PQ aapko given how much? 10 equals to square root x2 how much? 10. Minus x1 is 2 whole square plus y2 is y minus y1 is minus 3 minus minus plus इसका whole square है. क्या बनेगा? Square root, ये आ गया square of 8 plus ये बन गया आपका y plus 3 का whole square 10. अब क्या करेंगे? ये square root हटाएंगे तो इस पे square बन जाएगा. ठीक है, तो ये squaring both side ऐसे करके कर सकते हैं. तो ये होने 10 का square, ये हो गया 64 plus ये a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इनटू y इनटू 3 ये हो गया. तो ये आ गया आपका 100 और ये हो गया 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y. इस तरीके का बना. अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, 100 को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस ये हो गया 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0. 100 को उधर भेज दिया आपने, तो इक्वेशन बनी आपकी ये y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0. 100 में से 73 आएगा तो 27 बचेगा. ओके, अब नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे. स्प्लिट करो 27 को, इनका एडिशन 6 आ जाए तो 9 3 27 होता है, सबट्रैक्ट करके भी आ रहा है. तो इसको हमने लिख दिया y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0. y कॉमन लिया तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया तो y प्लस 9 इक्वल्स टू 0. ये आ गया y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो आ गया आपके पास y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो इट विल बी y इक्वल्स टू माइनस 9 और y इक्वल्स टू 3. These will be the answer of this question, okay?